हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, अभी मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि वर्कआउट हो गया है और उसके बाद मैं नहा लेती हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा हो जाता है, तो वर्कआउट के बाद नहाना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और ये टी शर्ट भी पता नहीं यार, मतलब सबके साथ मैंने डाला था ये वाला टी शर्ट, तो ये ना सब कपड़ों के साथ डाला था ना, तो पूरा वो ऐसे क्या बोलते हैं, भूसी भूसी निकल रही है उसकी, तो मतलब वाइट वाइट ऐसे कुछ तो भी लग गया है इसे, तो पता नहीं अभी क्या मुझे ये आगे दिख गया। मैंने पहन भी लिया बट अभी दिख रहा है मुझे, तो समझ में नहीं आ रहा क्यों। तो इसके लिए कुछ आपके पास वो होगा, सॉल्यूशन होगा तो मुझे ज़रूर बता देना। मेरे साथ ऐसे ही हमेशा होता है कि मैं सारे कपड़े के साथ अगर ब्लैक डाल देती हूँ ना, तो ब्लैक पे ऐसे ही होता है, तो उसके लिए अगर आपके पास सॉल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि हमेशा का ही प्रॉब्लम है मेरा ये। और फिर उसको निकालने के लिए ना मुझे टॉवल लेके कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसे ऐसे घिसना पड़ता है फिर निकलता है, वो भी इतने अच्छे से नहीं निकलता है। तो हाँ, कितनी ज़्यादा बातें कर रही हूँ। तो अभी बनाने वाली हूँ डिनर क्योंकि बहुत लेट हो गया है यार, अभी बज रहे हैं 7:30, 8 बज रहे हैं, तो लेट हो गया है, डिनर बनाना है। एक्चुअली श्रद्धा आई है ना, तो श्रद्धा कि मतलब श्रद्धा से बातें करने में इतना टाइम चला जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो वो आती है, तो इस वजह से पता है कि घर के पास ही है, वर्कआउट के लिए अभी यहाँ पर आ रही है, तो हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हाँ डिस्टेंस नहीं रख रहे हो, तो वर्कआउट के टाइम पर भी हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और वैसे भी रह रहे हैं तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो और हाँ, अभी वो ना उस दिन मैंने आपको शिंगोड़े बताए थे बनाना, तो वही अभी शिंगोड़े बना रही है वो, तो वो खुद शिंगोड़े बना रही है, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। रोटी तो मेरी बन गई है, रोटी मैंने पहले ही बना ली थी, तो अभी सिर्फ सब्जी बनानी है, तो सब्जी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, अभी इनसे पूछती हूँ क्या बनानी है सब्जी, और उसके बाद सब्जी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं अभी। ये देखिए, यहाँ पर शिंगोड़े बना के रख दिया है श्रद्धा ने, और यहाँ पर बन रहे अभी शिंगोड़े। अरे बाबरे मैडम, तुझे मूंगफली पण टाकली त्याच्यामध्ये? हाँ, श्रद्धा ने मूंगफली भी डाल दी है इसमें, मैंने उस दिन मूंगफली नहीं डाली थी, पता नहीं अभी अलग टाइप से बन रहा है कुछ, अभी टेस्ट आता है इसी वजह से, तो चलो अच्छा है। सर्व लोक गोष्टी करत होते, मधामध्ये पप्पा बसले होते। अच्छा असं आहे का? ओके, आणि तू काय करत होता? आप क्या कर रहे थे? आप अंकल के पीछे पीछे है? कमी तेल टाकलं, हा लेस ऑइल मध्येच बनव। सो गाइज, यहाँ पर बनाने वाली हूँ मैं आलू और जो सोयाबीन बड़ी है उसकी सब्जी। एक्चुअली मैं वैसे सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनाती हूँ वैसे ही, मतलब विदाउट आलू, आपने देखा होगा वो भी टेस्टी लगती है, मतलब मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बट मैंने सोचा चलो आलू के साथ बनाती हूँ आज, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी, मतलब इस तरह से मैंने पहले भी बनाई है बट ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरह से मैं पहले आलू फ्राई कर लेती हूँ, आलू सिर्फ फ्राई कर लेना है
है आपको अच्छे से तेल में, और उसके बाद आपको सोयाबीन बड़ी जो है वो मैंने भिगोने के लिए डाल दी थी पहले ही। जब तक श्रद्धा शिंगोड़े बना रही थी उस टाइम तक मेरे ये जो सोयाबीन बड़ी है वो भीग गई थी, तो उस टाइम तक मैंने भिगोने के लिए डाल दी थी, और उसके बाद फिर ये अभी फ्राई कर रही हूँ, तो ये अच्छे से भीग गई है। उसके बाद ना वो मैंने नॉर्मल जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो उस पर मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के रख देती हूँ, बट आज की सब्ज़ी में मैंने नमक और हल्दी लगा के नहीं रखूँगी, मतलब नहीं रखी थी मैंने, तो ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली अगर आपको खाना है वैसे ही फ्राई करके तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, नमक और हल्दी लगा के आप फ्राई करके देखना एक बार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप मतलब ऐसे ही बच्चों को देना, बच्चों की मतलब बच्चों की जो फेवरेट है, मेरे बच्चों की तो फेवरेट है, बहुत चाव से खाते हैं वो, बहुत पसंद है उन्हें। अगर वैसे मैं सोयाबीन बड़ी दूँ तो और हेल्दी भी रहती है, सोयाबीन बड़ी भिगोने के लिए रख देना और उसमें ना थोड़ा सा हल्दी और नमक लगा के रख देना और बस उसे फ्राई कर लेना, बहुत अच्छे से खाएंगे बच्चे भी और आप भी, आपको भी पसंद आएगी। तो इस तरह से मैंने पहले ना उसमें टोमेटो भी ऐड कर दिए थे मैंने, क्या किया था थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी मिर्ची डाली थी और टोमेटो ऐड कर दिए थे, इसका पेस्ट बना लिया है और अच्छे से चला लूँगी मैं पेस्ट को, थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया था, सारे मतलब पेस्ट को अच्छे से चला लूँगी जब तक तेल ना छोड़े मसाला आपका। तेल छोड़ने लगेगा तब आपको मसाला ऐड करना है, सारे मसाले आपको तेल छोड़ने के बाद ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगा था, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। और थोड़ा सा आपको ना मिर्च पाउडर के टाइम पर ध्यान देना है क्योंकि हमने हरी मिर्च पीसी थी थोड़ा सा मसाले में इसी वजह से, और यहाँ पर मैं ना अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो इसी वजह से बाद में फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने यहाँ पे इसमें, और फिर अच्छे से चला लूँगी। अब तो मुझे ज़्यादा पकाना पड़ेगा, मतलब अच्छे से चलाना पड़ेगा ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसकी कच्ची स्मेल चली जाए और उसके बाद वो मतलब अच्छे से भून जाए। और उसके बाद मैंने वो सोयाबीन बड़ी और सारी चीज़ें डाल दी है और उसमें डाला है ऊपर से नमक, क्योंकि मैं सारी सब्जियों में बाद में नमक डालती हूँ क्योंकि बाद में नमक डालना अच्छा रहता है बोलते हैं। उसके बाद मैंने साइड में पानी गर्म करने के लिए रखा था, तो वो पानी मैं उसमें ऐड कर दूँगी, गर्म पानी आपको इसमें ऐड करना है, मतलब ठंडा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो तरी जो है वो ऊपर नहीं आएगी और मतलब टेस्ट इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। और उसको मैंने ढक के रख दिया था थोड़ी देर पकाने के लिए, और उसके बाद मैं ऊपर से गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और हमारी सब्जी जो है वो हो गई है रेडी। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बन गई और बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है आपको। एक्चुअली खाना खाने के बाद मैं दूध बॉयल करती हूँ बच्चों के लिए, तो यहाँ पर दूध शाम को लेके आए थे ये ड्यूटी से, जब आए थे तब शाम को दूध लेके आए थे, तो उस टाइम अभी डेयरी वगैरह भी ओपन नहीं रह रही है यार, बट यहाँ की डेयरी कभी कभी ओपन हो जाती है, मतलब उसका टाइमिंग है, तो आपके साइड में कैसे चल रहा है ज़रूर बताना मुझे, मतलब आपके साइड में भी ऐसे टाइमिंग लगा के रखे है क्या कि मतलब इस टाइम में ये ओपन रहेगा उस टाइम में वो ओपन रहेगा, ऐसे हमारे साइड में रह रहा है, मतलब टाइमिंग लगा के रखे हैं। तो यहाँ पर मेरा दूध बॉयल हो चुका था, मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ शाम को, मतलब रात को सोने के टाइम पे, और बस क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रात की क्लीनिंग किचन की तो भी करनी चाहिए क्योंकि पूरा घर तो हम लोग क्लीन नहीं कर सकते रात को, बट किचन में हम लोग कभी आटा गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, तो इसी वजह से कॉकरोचेस का डर रहता है, तो इसी वजह से ना आपको क्लीनिंग करके ही सोना चाहिए, नहीं तो वो कॉकरोच मतलब रहेंगे किचन में और वो सभी बर्तनों वर्तनों में लगे जाता है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा डर रहता है बीमारियों का। तो इसीलिए मैं क्लीन कर लेती हूँ सारी चीज़ें रात को ही, फ्लोर भी क्लीन कर लेती हूँ इसका, मतलब पोछा वगैरह भी लगा लेती हूँ और झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो ऐसा मेरा डेली का रूटीन है रात का, क्योंकि खाना खाने के बाद ऐसा एक बार तो किचन में झाड़ू पोछा लगाना ही चाहिए खाना होने के बाद, तो ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। थोड़ा सा गैस वैस का जो स्लैब है वो तो क्लीन डेली ही करते हैं हम लोग, वो तो कोई नई बात नहीं है, मतलब सबके लिए सब ही करते होंगे क्योंकि वैसा गैस का स्लैब तो कोई छोड़ता नहीं है। वैसे मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन भी मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें भी जैसे मैं क्लीन करती हूँ हमेशा नाइट टाइम में, तो वो मैंने वहाँ पर दिखाया है। नाइट टाइम में बाकी का घर तो क्लीन नहीं करना पड़ता है, बट किचन तो कितनी बार क्लीन होता होगा वो
आपको भी पता है घर में, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं उस टाइम कुछ ना कुछ गिरी जाता है। स्लैब तो कितनी बार क्लीन होता होगा वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे मेरी आदत ऐसी है कि मैं बहुत बार स्लैब क्लीन करती रहती हूँ। और मैं मुझे खाना बना के टाइम भी बहुत आदत है, मैं मुझे ना मतलब गलाटे में खाना बनता ही नहीं है मुझसे, तो इसी वजह से मैं हमेशा हमेशा मेरा वही रहता है कि थोड़ा सा भी गंदा हो गया कि बस पोछते रहती हूँ और फिर बाद में खाना बनाती हूँ। मतलब खाना चलता रहता है खाना बनाना, और बीच में पोछती रहती हूँ मैं हमेशा हमेशा, तो ऐसा होता है मेरे साथ। और यहाँ पर बोनविटा भी ख़त्म हो गया था यार, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने इस बार ना डीमार्ट से बहुत कम सामान लाया है, तो इसी वजह से सारा सामान ना पता नहीं अभी ख़त्म ही हो रहा है। तो एक बार ज़रूर जाना पड़ेगा, बट डीमार्ट नहीं, एक बार ग्रॉसरी लाने जाना पड़ेगा और उसके बाद सारी ग्रॉसरी भरनी पड़ेगी घर में। लो बेटा अद्वे, गरम है गरम है माही, अच्छा अद्वे पी लो, ज्यादा गरम नहीं है। और ये तो बहुत ही ज्यादा दिख रहा है यार, फेंकी टोपी फेंका जूता और बड़े पछता है, बड़े पछता है। बंदर मामा की पोएम बोल रहा है अद्वी। बंदर मामा ने एक लगाया स्कूल, एक लगाया क्या स्कूल स्कूल हाँ। अरे बाप रे 10:30 बज गए हैं, तो चलिए इस ब्लॉग को ये अरे अद्वी गिर रहा है, तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं गुड मॉर्निंग बोलो माही, चलो बाय कर दो, बाय।